हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। दोस्तों, अभी मैं हूँ बिहार की राजधानी पटना में और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का वो घर जहाँ पे उन्होंने अंतिम सांस ली थी, यानी कि रिटायरमेंट के बाद वो पटना आ गए थे दिल्ली से, और जिस मकान में रहते थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो मकान दिखाने जा रहा हूँ, साथ ही साथ उनके द्वारा यूज किए गए उनके कुछ निजी बिलोंगिंग्स जैसे जूते, कपड़े, ब्रश आदि, ये सारी चीज़ें भी यहाँ सुरक्षित रखी गई हैं, वो सारी चीज़ें भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबाते हुए, और चलिए शुरू करते हैं। ये है बिहार विद्यापीठ सदाकत आश्रम पटना 10। यहीं पे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू अपने रिटायरमेंट के बाद रहते थे, और इसी आश्रम में एक मकान है जिसमें उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। तो चलिए हम चलते हैं वहाँ पे और दिखाते हैं आपको पूरा माजरा। जैसे हम सदाकत आश्रम कैंपस में एंट्री लेते हैं तो आप हमारे राइट हैंड पे देख रहे हैं ये बिहार विद्यापीठ लिखा हुआ है। इस बिहार विद्यापीठ की स्थापना सदाकत आश्रम की स्थापना के साथ साथ ही हुई थी, और इस सदाकत आश्रम और बिहार विद्यापीठ के संस्थापक सदस्य में श्री ब्रजकिशोर प्रसाद जी थे, राजेंद्र बाबू, मौलाना मजरूल हक और गांधी जी भी, महात्मा गांधी भी यहाँ पे संस्थापक सदस्य थे। और जैसे ही एंट्री करते हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड पे श्री ब्रजकिशोर स्मारक प्रतिष्ठान लिखा हुआ है। ये ब्रजकिशोर बाबू का स्मारक स्थल है, और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, इस बिल्डिंग में ये हॉल टाइप का है, इसमें अब शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी में आप लोग इसे बुक कर सकते हैं नॉमिनल फ़ी पे। और आप देख सकते हैं ये बोर्ड देश रत्न भवन आगे की ओर है, वहाँ हम लोग चल रहे हैं, और बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और इस आश्रम के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये आश्रम टोटल 20-25 एकड़ में 20 एकड़ में फैला हुआ है, और उसमें सबसे जो मेन ज़मीन जो दान दिया था वो दिया था खैरून मियाँ जी ने, जो मजरूल हक जी के बहुत ही करीबी मित्र थे। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड पे है मौलाना मजरूल हक स्मारक पुस्तकालय, ये लाइब्रेरी है। अब आप देखिए कि मेरे लेफ्ट हैंड पे बिहार विद्यापीठ का ये इंस्टीट्यूशन का एक और इकाई है जहाँ पे बीएड, डीएलएड, कंप्यूटर कोर्स और भी बहुत सारी कोर्सेज पढ़ाई जाती हैं। तो दोस्तों, हम लोग चल रहे हैं उस फ्लैट की ओर, उस मकान की ओर, इस मकान में राजेंद्र बाबू रिटायरमेंट के बाद रहते थे और जहाँ पे उन्होंने अंतिम सांस ली। और ये आम के भी पेड़ हैं जिस पे आम का मौसम अब शुरू होने वाला है, तो मंजर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इस आश्रम की विशेषता बताऊँ कि मैं जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के मीटिंग्स हुई हैं बिहार में, पूरे बिहार प्रदेश की, वो सारी यहीं होती थी और सारी रणनीति यहीं पे तैयार की जाती थी। अब हम लोग धीरे धीरे चलते चलते फाइनली आ गए हैं राजेंद्र बाबू के अंतिम समय के मकान में। तो दोस्तों, यही है राजेंद्र स्मृति संग्रहालय, उनके फ्लैट को, उनके घर को अब संग्रहालय के रूप में संरक्षित किया गया है। जो मकान आप देख रहे हैं ठीक यही मकान है, इसी फ्लैट में, इसी मकान में हमारे माननीय राष्ट्रपति जी, प्रथम राष्ट्रपति जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अंतिम सांस ली 28 फरवरी 1963 को। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक भी कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और चलिए हम चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पे ये एंट्री गेट है लेकिन ताला बंद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजेंद्र बाबू की तस्वीर, साथ ही साथ इनका पूरा जीवन वृत्त, कि पूरे जीवन भर में इनकी क्या क्या घटनाएं हुई, सारी चीज़ें लिखी गई हैं, और कुछ स्लोगन्स भी लिखे गए हैं राजेंद्र बाबू द्वारा
तो दोस्तों अभी हम लोग राजेंद्र स्मृति संग्रहालय के ठीक बाहर में खड़े हैं, यानी कि उस मकान उस फ्लैट के ठीक बाहर में खड़े हैं जहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने अंतिम सांस ली। और मैंने आपसे वीडियो के शुरुआत में वादा किया था कि उनके पर्सनल बिलोंगिंग्स भी दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि मुझे पता चला है कि जो स्टाफ हैं यहाँ के बिहार विद्यापीठ के या इस सदाकत आश्रम के कर्मी हैं वो पिछले 17 से 18 दिनों से हड़ताल पर हैं। तो हड़ताल की वजह से उन लोगों ने सारे चीज़ों को बंद कर रखा है अपनी मांग के लिए। मांग बहुत सारे हैं उनके कि जैसे कि कम वेतन का भुगतान, और जो मेंबर्स जो हैं शीर्ष पदों पे जो लोग हैं उन लोगों की जो धांधली है उसको लेकर के हड़ताल चल रहा है। तो दैट्स वाई आई एम वेरी वेरी सॉरी दैट इन दिस वीडियो आई एम अनेबल टू शो हिज पर्सनल बिलोंगिंग्स। कोई नहीं, आगे की किसी वीडियो में मैं आपको वो दिखाता हूँ। वीडियो पे बने रहेंगे, चैनल पे बने रहेंगे। और इन लोग की जो समस्या है, जो स्टाफ हैं यहाँ पे उनकी समस्या है कि वेतन कम है और वो नियमित है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। तो इसके लिए लोग हड़ताल कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। जैसे ही हड़ताल इनका टूटेगा तो मैं फिर कभी आऊँगा किसी वीडियो में आपसे रूबरू होऊँगा।